बीते 1 मई को कोरोना संक्रमण से आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अब राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार भी सामने आए हैं और उन्होंने आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए, और कहा जाए कि सीधा उन्होंने कटाक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव पर किया है और शहाबुद्दीन को लेकर के किया है, कि जिस तरह से शहाबुद्दीन ने आरजेडी को सींचा है, संवारा है, और उसके बाद उनकी निधन होती है और निधन होने के बाद जिस तरह से आरजेडी या तेजस्वी यादव ने उन्हें एक तवज्जो नहीं दिया और उन्हें सामने आकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो अंतिम संस्कार है वो उनके पैतृक गांव में हो, इन सब सारे मुद्दों पर आशुतोष कुमार ने आरजेडी को घेरा है और उन्होंने इस पूरे वीडियो में और क्या कुछ कहा है आप सुनिएगा। राजद के हमेशा से यूज एंड थ्रो वाला राजनीति रहा है। राजद का रघुवंश बाबू के साथ भी वही हुआ, आप देखे होंगे, जिन्होंने पूरे जीवन कुर्बान कर दिया राजद को सींचने के लिए, उनको आखिरी समय में एक लोटा पानी के बराबर उनका सम्मान दिया गया। और आज शहाबुद्दीन के साथ भी वही हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि शहाबुद्दीन सही थे, शहाबुद्दीन ने जो अपराध किया उसकी सजा न्यायालय ने दिया उसको और सजा काट भी रहा, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अच्छे और बुरे कर्म उसी के साथ समाप्त हो जाते हैं। आज उसके बेटे को न्याय मिलनी चाहिए। आज शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा अपने बाप के अंतिम संस्कार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और वो शहाबुद्दीन जिसने ईमानदारी पूर्वक राजद के लिए काम किया, राजद परिवार ने, लालू परिवार ने सत्ता सुख पाने के लिए शहाबुद्दीन का भरपूर इस्तेमाल किया, और आज जब शहाबुद्दीन का बेटा अपने बाप के अंत्येष्टि के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको लाश नहीं मिल रही है, तो तेजस्वी और लालू की बात तो छोड़िए, राजद का कोई सड़ा हुआ कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी, कोई प्रवक्ता भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, सब जाब लगा लिए। ये समझना पड़ेगा मुस्लिम समुदाय को भी, और ये समझना पड़ेगा सवर्ण समाज को भी, जो हिंदू सवर्ण समाज है। अंधभक्ति का परिणाम देखिए, जो आज ब्राह्मणों, भूमिहारों, राजपूतों और कायस्थों के साथ में हो रहा है, वही अंधभक्ति का परिणाम आज मुसलमानों को भी भुगतना पड़ रहा है। यूज एंड थ्रो वाला परिणाम, सैकड़ों उदाहरण हैं। जब आप यानी कि मुसलमान और ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ जब एक साथ राजनीति करते थे, एक प्लेटफॉर्म पर आकर करते थे, तो इस बिहार में, और बिहार ही नहीं बहुत सारे राज्यों में, आपके अलावा सत्ता के शीर्ष पर कोई और नहीं बैठता था। लेकिन जब से आप अंधभक्ति में लग गए, एक राजद के साथ चल दिए और दूसरे भाजपा के साथ चल दिए, आपके हालात क्या हो गए देखिए। और सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम युवाओं को राजद कांग्रेस वाले आगे कर रहे हैं कि तुम हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को मारने काटने की बात करो, और हिंदुवाद के नाम पर राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार युवाओं को आगे किया जा रहा है। चूंकि लड़ाकू यही कौम है, लड़ने वाली ये कौम है, और ये साथ आ जाएंगे तो सत्ता इनसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए अंग्रेजों वाली नीति अपनाई गई, फूट डालो और राज करो, और हमें आपस में लड़वा दिया गया और सत्ता सुख कोई और भुगत रहा है। हम कांग्रेस के समर्थक नहीं, लेकिन जो लोग आज कहते हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि मोदी है तब हिंदुत्व है, तब हिंदू है, तो कांग्रेस ने इस देश में 70 साल शासन किया तो क्या हमारे बाप दादा मुस्लिम धर्म अपना लिए थे? क्या हम उस समय हिंदू नहीं थे? क्या उस समय हम सिखा जनेऊ नहीं पहनते थे, नहीं रखते थे? और आज डराया जा रहा है, और किसके नाम पर, और किसको आपका रक्षक बताया जा रहा है, जो कभी हिंदू के लिए लड़ने नहीं गया, जो कभी घर से बाहर नहीं निकला जब मुस्लिम आतताई लोग इस देश पर, इस सनातन पर आक्रमण करने आते थे, तो वो घरों में छुपे रहते थे और हमारे बच्चे मारे काटे जाते थे। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन होगा, ये धर्म के नाम पर जो नफरत की राजनीति की जा रही है, चाहे वो भाजपा वाले करें, चाहे कांग्रेस राजद वाले करें, इनसे बचिए और अपना अस्तित्व ढूंढिए कि आपका अस्तित्व कहाँ है और आप कहाँ पर अपने आप को फिट समझते हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।